दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है हेलीकॉप्टर से बारात आई? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में बहुत से अमीर लोग हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से बारात या फिर हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई कैसे होती है नहीं मालूम होगा। मेरा मतलब हेलीकॉप्टर को कैसे बुक करके बारात या दुल्हन की विदाई की जाती है। अगर आपको भी ये प्रोसेस जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों शादी एक ऐसी चीज है जिस पर जितना ज्यादा पैसा खर्च करो उतना कम लगता है। तभी तो लोग शादी को यादगार और लाजवाब बनाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर ही बुक कर लेते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने अक्सर शादी के मौके पर लोगों को हेलीकॉप्टर पर आते हुए देखा होगा या फिर दुल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखा होगा। कुछ लोग अपनी वेडिंग के फोटोशूट के लिए भी हेलीकॉप्टर बुक करते हैं। ये सारा नजारा जितना ही शानदार लगता है, इस नजारे को मुमकिन करने के लिए उतने ही पैसे लगते हैं। जहां आजकल हेलीकॉप्टर पर शादी करना बिल्कुल आम बात हो गई है और हर कोई पैसा खर्च करके हेलीकॉप्टर वाली बारात लाना चाहता है, पर सवाल ये आता है कि आखिर शादी में या फिर किसी भी फंक्शन में हेलीकॉप्टर कैसे बुक कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हवा में उड़ने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को साकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, लोग प्लेन में सफर करते हैं और अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर में सफर करना आज भी लोगों का सपना है। पर ये सपना इतनी आसानी से साकार नहीं होता। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर देखा तक नहीं होगा। उनके लिए हेलीकॉप्टर खरीदना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको पता है अगर आपको हेलीकॉप्टर में बैठना है तो उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप कुछ समय के लिए हेलीकॉप्टर को रेंट पर लेकर अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप हेलीकॉप्टर खरीदने जाएंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। एक हेलीकॉप्टर कम से कम 30 लाख तक मिलता है और वो भी बहुत छोटा और कम पावर वाला हेलीकॉप्टर। जब आप एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर लेने जाएंगे तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है, इसलिए हर कोई हेलीकॉप्टर जैसी चीज खरीद नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हेलीकॉप्टर रेंट पर भी ले सकते हैं, पर सवाल ये फिर से अटक जाता है कि आखिर हेलीकॉप्टर को रेंट पर लेने में कुल कितना खर्चा आता है। अगर देखा जाए तो वो जमाना गया जहां लोग अपनी शादियों में तरह तरह के पकवान पेश करके डेकोरेशन बढ़िया करके अपनी शादी को यादगार बनाते थे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हर कोई कर रहा है। अब लोग अपनी शादियों को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं और उसमें अपनी वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं, दुल्हन को हेलीकॉप्टर में घुमाने ले जाते हैं और इस तरह वो अपनी शादियों को यादगार बनाते हैं, जिसके लिए वो हेलीकॉप्टर को रेंट पर ले सकते हैं। असल में दोस्तों भारत में हेलीकॉप्टर के किराए का खर्च कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहले है टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर। यानी अगर आप छोटा हेलीकॉप्टर रेंट पर लेते हैं तो कम खर्च आएगा, और अगर आप बड़ा हेलीकॉप्टर यानी 5 से 6 लोगों के लिए बैठने लायक वाले हेलीकॉप्टर रेंट पर लेते हैं तो काफी ज्यादा खर्च आएगा। आप हेलीकॉप्टर को प्रति घंटे के हिसाब से रेंट पर ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर है उसमें पायलट के अलावा 3 लोग बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको प्रति घंटे के लिए लगभग 50 से 60 हजार देने होंगे, यानी 1 घंटे के लिए 60 हजार, जो कि वाकई में काफी बड़ी कीमत है। लेकिन अगर इतनी कीमत चुकाकर आप अपने फंक्शन वगैरह में भौकाल जमा सकते हैं तो क्यों नहीं। वहीं बड़े हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो जैसे कि बेल 206, उसके लिए आपको प्रति घंटे 3,75,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर के रेंट की कीमत उसके साइज पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। हालांकि आप कितनी दूर जाना चाहते हैं, आप जिस जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते हैं उसकी लोकेशन कैसी है, या फिर आप जिस एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर लैंड कराना चाहते हैं उसके एयरपोर्ट की लैंडिंग चार्ज कितनी है, इस तरह के कुछ एडिशनल चार्ज भी लग सकते हैं। आजकल भारत में शादी जैसे कार्यक्रमों में हेलीकॉप्टर की बुकिंग काफी ज्यादा होने लगी है। यही वजह है कि अब रेंट पर हेलीकॉप्टर काफी आसानी से मिलने लगे हैं। आप सबके सामने यही सवाल है कि आखिर हम हेलीकॉप्टर को बुक कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमना चाहते हैं या फिर टूरिस्ट की तरह आप किसी शहर का मजा ऊपर से लेना चाहते हैं और आपका बजट भी ज्यादा नहीं है, फिर भी आप काफी आसानी से सस्ते दाम पर हेलीकॉप्टर में सफर करने का मजा ले सकते हैं। जहां मुंबई में हेलीकॉप्टर में 20 मिनट तक के सफर का आनंद मात्र 5000 से 6000 में ले सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुंबई की ट्रेन टिकट बुक कीजिए, वहां जाकर हेलीकॉप्टर में उड़ने का मजा लीजिए। आइए अब ये जानते हैं आप कहां से हेलीकॉप्टर को बुक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में इंटरनेट पर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हेलीकॉप्टर को बुक किया जा सकता है, जिसमें तमाम तरह की जानकारियां भी मिल सकती हैं। आप जस्ट डायल या इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा charterplus.in, rajputaviation.com, aeroaircraft.com जैसी वेबसाइट से भी आसानी से हेलीकॉप्टर बुक किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के टाइम पर हेलीकॉप्टर बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पीछे पैसे खर्च करना, जिसे खर्च करने के लिए आप अगर रेडी हैं तो आप कहीं से भी कभी भी हेलीकॉप्टर बुक करके अपनी शादी वगैरह के फंक्शन में चार चांद लगा सकते हैं, या फिर फोटोशूट करने के लिए, या अपने माता पिता को पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठाने के लिए भी आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। और अगर आपको इतने सारे पैसा खर्च नहीं करने तो आप मुंबई जाकर हेलीकॉप्टर की सवारी करने का मजा तो उठा ही सकते हैं, जिसमें आपको सबसे कम खर्च आएगा। लेकिन अगर आप 60,000 रुपए खर्च करने के लिए रेडी हैं तो आप एक घंटे के लिए अपनी लोकेशन पर भी हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं, और अगर आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं तो आप चाहे तो बड़े हेलीकॉप्टर को मंगाकर अपनी शान और शौकत बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।